आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में हमारे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति साहब थे प्रणब मुखर्जी, इनकी डेथ हो चुकी है। और आपने देखा होगा, इससे पहले हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात भी कर चुके हैं, बायोग्राफी इनकी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी बायोग्राफी के नाम से, सबकी कवर की गई है। सभी आपके राष्ट्रपति भी कवर किए गए हैं, प्रधानमंत्री भी, आपके जो भी देश के जो भी चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बात की जा रही है, प्राचीन भारत से ही लेकर। अब आपके दिमाग में सबसे पहले याद रखिए इनके बारे में आपका किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक देश का राष्ट्रपति हो जिन्होंने इतना योगदान दिया हमें, उनके बारे में आपका परीक्षा के पॉइंट व्यू से पूछा जा सकता है। तो किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष की आयु में 31 अगस्त को आर्मी RR रिसर्च एंड रेगुलर अस्पताल में निर्धन हो चुका है इनका। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मेराती गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक बात और आपको बता दूं इनके बारे में, एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है आपको कि क्या याद रखना है कि ये 13वें राष्ट्रपति थे हमारे, और कब से कब तक रहे, ये रहे हैं आपके 2012 से 2017 तक। इनकी जन्म डेट याद रखना है आपको, 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले के मेराती गांव में। ठीक है, इनकी डेथ की अगर पूछे आपको तो 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो चुकी थी। इनके माता पिता श्रीमती राज लक्ष्मी मुखर्जी और श्री कामदा किंकर मुखर्जी थे। श्री मुखर्जी पहली बार 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन में पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद में आपके तीन दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। और वैसे आपको संसद में अगर शामिल की जाए सभी की, तो आपके राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है, राज्यसभा लोकसभा को भी। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव डायरेक्ट होते हैं जो भी सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं आपके जो MLA होते हैं। ठीक है, तो इन्हें उच्च सदन का सदस्य बनाया गया, कब, 1969 में, इसे भी याद रखना। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में भी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। 1984 में उन्हें भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसी वर्ष यूरो यूरो मनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उन्हें विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में भी मूल्यांकन किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में भी उन्हें नवाजा गया। किसके द्वारा, यूरो मनी पत्रिका के द्वारा। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन, प्रणब मुखर्जी साहब। उन्हें सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिला था। सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त किया गया। और श्री प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित होने वाले छठवें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के, छठवें। अब देखिए आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा, आपको अगर इनके बारे में कुछ ज्यादा ही जानने की इच्छा है तो आप बायोग्राफी इनकी जरूर देख लें, उसमें विस्तार से बताया गया है। अभी आपने देखा है कि 2019 में नोबेल पुरस्कार, सॉरी, भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ पूछ लेगा कि इनके साथ जिनकी हाल ही में प्रणब मुखर्जी साहब की डेथ हुई है, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था किन किन व्यक्तियों के साथ। तो आपने देखा होगा कि इन्हें भूपेन हजारिका, इसी साल 2019 में भूपेन हजारिका को भी मिला था, प्रणब मुखर्जी को भी मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था, इन तीन व्यक्तियों को मिला था। अगर आपसे पूछे कि इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, तो आप करेंगे हो, और सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिला हुआ है, जी, इन्हें ये तीनों भी मिले हुए हैं। और अगर इनसे पूछेगी, आपसे पूछ ले कि प्रणब मुखर्जी इनमें से किन के सदस्य थे, प्रशासक बोर्ड के सदस्य रहे हैं, आपको नीचे दे दे कि IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, तो इनके बारे में भी आप लोग अच्छे से याद रखिए।
ठीक है, और ये भी पूछ सकता है किस नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये आप पूछ ले कि किस कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो छठवें राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपके बनने की उम्मीद रहती है, इसी तरह के पूछने की भी आपकी संभावना रहती है, तो आप बड़े से अच्छे से ध्यान दे लिया करिएगा। आपने देखा होगा कि भारत रत्न के बारे में अगर पूछे आपसे, तो 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न के जो भारत रत्न की स्थापना की गई थी, और इस समय राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना। तो इस तरह के आपके पूछे हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं, जो भी इनके बारे में सामान्य जानकारी हो उसे भी याद। वन डे एग्जाम के लिए तो कई तरह से आप इससे सोचिए, ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने छोटा सा बात किया है, इसमें आपके कम से कम 20-25 तरह के क्वेश्चंस पूछने को मिल सकते हैं आपके, तो आप सभी पॉइंटों पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लीजिए। ठीक है, और एक दिमाग में ले आया करिएगा, सोच लिया करिएगा कि इस तरह से, हाँ इस तरह से पूछा जा सकता है इनके बारे में। ठीक है,